जब मैं यहाँ आया तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको मैं प्राइस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कितना लगता है। आई बिलीव इट वॉज लाइक $100 समथिंग, ये नियरली $100, लाइक $55 फॉर द ऑनलाइन टेस्ट एंड समथिंग 75 मैं डाल दूंगा उसमें। आप देखिएगा कि कितना एग्जैक्ट प्राइस है, डिफर करता है। जैसे मैं यहाँ पर PI में आया हूँ, मैंने सुना कि यहाँ पर सिर्फ $20 दो, यहाँ पर कोई ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं होती, कोई ऑनलाइन टेस्ट बुक नहीं होता, आपको वहाँ जाना पड़ता है एक्सेस PI में। आई थिंक सो इट नियरली टुक लाइक $75 or $100, आई एम नॉट श्योर, बट आई विल पोस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। सो द $100 कॉस्ट यू नियरली 5,000 rupees। हाँ भाई, 5,000 rupees लगते हैं यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो, अगर एक बार में निकालोगे तो, नहीं तो हर अटेम्प्ट का। सो ड्राइविंग ऑनलाइन टेस्ट $55, वो पहली बार में पूरा टोटल अमाउंट लेते हैं, बट अगर आप जैसे मान लो पूरा पे कर दिया, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया और अगर आप फेल हुए, सो यू विल बी पेइंग $15 एक्स्ट्रा टू गिव अनदर अटेम्प्ट एंड यू कैन गिव एज मच एज यू कैन। भाई बैठे हो, तुम्हारा नंबर लग रहा है, सेंटर खुला है, तुम 10 बार फेल हो, 10 बार $15 दे के 10 बार अटेम्प्ट दे सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, दे आर नॉट गोइंग टू ब्लॉक यू फ्रॉम दिस एक्सेस, यू आर एलिजिबल टू गिव एज मच एज यू कैन। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार में, मतलब भाई मैंने तो 3 बार में टेस्ट निकाला ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि मेरे को पढ़ना पड़ा था, मुझे पढ़ना ही पड़ा, क्योंकि बिना पढ़े यहाँ पे पैरेलल पार्किंग होती है, फिर वो 3-way पार्किंग होती है, ये सारे टेस्ट होते हैं। जब आप पहला तो $158 समथिंग, मैं आपको वेबसाइट में भी दिखाता हूँ, सो इतना जो चार्ज लगता है, और इतना लगने के बाद जब आप टेस्ट देते हो, पहले तो आपको जीवन जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होता है या फिर सो कॉल्ड लर्नर टेस्ट होता है, वो ऑनलाइन टेस्ट होता है और उसको कहते हैं जीवन टेस्ट। हाँ भाई, जीवन ही है, उसके बिना तो G2 आना ही नहीं है। सो, आप जो ऑनलाइन टेस्ट देते हो उसको जीवन कहते हैं, वो जीवन क्लियर करना पड़ता है, आपको पासिंग मार्क लेके आने पड़ते हैं। जैसे ही आप जीवन क्लियर करते हो, अगर आपका क्लियर हो गया तो आप उसी सेंटर में जाके बोलोगे कि भाई मुझे अब G2 टेस्ट देना है, मैं कब दे सकता हूँ। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैड दिस ड्राइविंग लाइसेंस सिंस लाइक 5 years बैक इन Yeah, when I was about to give my driving test in Canada for the G2, this license was already almost like 5 years. So they told me, if you have 5 years, you just need to show the driving license which you own from your native country, and then they will check what's the best time for you to give the test. So bhai, us time pe agar aap chaho, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बोल सकते हो कि मुझे इस डेट क्या मुझे चाहिए, अगर उनके पास स्लॉट अवेलेबल है तो आपके G2 टेस्ट के लिए बुक कर देंगे। और आपको G2 टेस्ट के लिए या तो आपकी खुद की गाड़ी हो, जो कि होती नहीं है लोगों के पास इनिशियली, सो आप इस बीच में जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो, तो भाई ऑनलाइन टेस्ट हो गया, उसके बाद जब ये रोड टेस्ट होता है, इसको कहते हैं G2 ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलता है वो रोड टेस्ट बेस पे मिलता है। तो आपको कहीं कहीं लेके जाएंगे, आपको 40 किलोमीटर की लिमिट पे गाड़ी चलानी होगी, आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते, ज़्यादा स्लो नहीं चला सकते, आपके बगल में इंस्ट्रक्टर बैठेगा, वो देखता है, वो आपको देखता है, ऑब्जर्व करता है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, उस बंदे के बेसिस पे और आपकी ड्राइविंग पे आपको ये लाइसेंस मिलता है। तो आपको 2-3 टेस्ट होते हैं, वो आपको कराएगा, आपको बोलेगा यहाँ से वहाँ लेके चलना है, वो खुद ही आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेगा, वो बोलेगा यू हैव टू गो स्ट्रेट, देन टेक लेफ्ट, देन टेक राइट, यू हैव टू डू द पैरेलल पार्किंग, लाइक ऑल ऑफ दोज थिंग दैट इंस्ट्रक्टर विल इंस्ट्रक्ट यू एंड यू हैव टू डू एज इट इज, एंड इफ ही थिंक यू आर एलिजिबल टू गेट द G2, ही विल से ओके कांग्रेचुलेशन, यू आर पास इन G2 टेस्ट। तो भाई इतना करने के लिए मैंने 3 बार ऑनलाइन टेस्ट दिया, 5 बार रोड टेस्ट दिया, और 5th बार में सबसे डिफिकल्ट रोड पे भाई मेरे को मिल गया मेरा G2। सो मुझे जो G2 मिला था, आई थिंक सो मे बी आई हैव, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि भाई जो G2 मिला था वो मुझे ओंटारियो से मिला था, और अभी मैं हूँ PI में, सो मेरे ख्याल से वो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने जब क्योंकि जब आप दूसरे प्रोविंस में आते हो और आपको वहाँ गाड़ी चलानी है, सॉरी मेरे पास वॉलेट में नहीं है, सो जब आप गाड़ी चलाते हो
जब आप दूसरे प्रोविंस में मूव होते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहीं रहना है, सो यू हैव टू रिन्यू द ड्राइविंग लाइसेंस. यू कांट ड्राइव द कार थ्रू आउट द ईयर ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम अनदर प्रोविंस. यू हैव टू हैव चेंज द नंबर प्लेट ऑफ द कार. सो बट मैंने तो गाड़ी चेंज कर दी. मेरे पास होंडा सिविक थी जब मैं ऑन्टारियो में था, जब मैंने गाड़ी ली थी, जब मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया 24th को और मैंने गाड़ी ली है 25th को. सो मैं ऑन्टारियो में था तो मुझे मेरे पास G2 था. G2 ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपको वो पेपर कॉपी देते हैं जब आप पास होते हो, और फिर उसके बाद आपके घर पे एक हफ्ते के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा टाइप का आपके घर पे आ जाता है. भाई इसकी फ़ोटो देख लो और इसकी फ़ोटो देख लो, मतलब इसमें वीरप्पन और इसमें अपन. सो भाई ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है और उसके बाद मतलब वो जो पेपर कॉपी भी देते हैं, ऑन बेस्ड ऑफ दैट पेपर कॉपी यू कैन स्टिल बाय कार. सो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी हो ना, तभी आप अपने नाम पे कार ले सकते हो. बाकी कार के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट द मेन थिंग, यू नीड द ड्राइविंग लाइसेंस. बेस्ड ऑन दैट ड्राइविंग लाइसेंस देन यू आर ओनली एलिजिबल टू बाय अ कार, बट अगेन यू नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस. सो मुझे G2 मिला और G2 मिलने के बाद मैंने कार ली अपने लिए, होंडा सिविक, जिस होंडा सिविक को चला के मैं यहाँ तक आया. और यहाँ तक आने के बाद फिर मैंने अपने बर्थडे पे अपने आप को अपनी कमेरो RS 1LT मैंने अपने आप को गिफ्ट की. और बस भाई अभी उसी के अंदर बैठ के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बाहर ठंड बहुत है और कार के अंदर मज़ा ही कुछ और आ रहा बैठ के वीडियो बनाने का. सो ये थी पूरी स्टोरी. सो I failed four times to get the G2. I failed 3 times to get the G1. So guys, it's not easy. Like for few people, it's very easy. They pass in the one time. But again, guys, I think so I'm blessed because I failed 3 times in the G1, 4 times in the G2, and I have the Camaro car. सो गाइज वीडियो को थोड़ा इंटरप्ट करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना वो डिटेल्स डाल दी जाए जिसको आप फॉलो करके G1 या G2 आप टेस्ट दे सकते हैं. सो यू शुड बी एटलीस्ट 16 year old इफ़ यू आर इन कैनेडा, बेसिकली इन ऑन्टारियो, एंड यू हैव टू पास द G1 टेस्ट विच इज़ द लर्निंग टेस्ट. यू कैन बुक एनी ऑफ दोज टेस्ट फ्रॉम द ड्राइव सेंटर और फ्रॉम द सर्विस ऑन्टारियो डाउन टाउन. यू नीड बेसिकली 1 passport और द कैनेडियन और फॉरन विच शोज योर फोटो, काइंड ऑफ 2 pieces ऑफ ID विच शोज योर फोटो, और इफ़ यू हैव द परमानेंट रेसिडेंट कार्ड. यू शुड बी एटलीस्ट होल्डिंग अ स्टूडेंट परमिट और स्टडी परमिट और द वर्क परमिट और द विजिटर रिकॉर्ड. Any kind of short of proof which shows your address proof where you can show the Ontario driving license. So firstly you have to go on the drive test, and if you see it's on my screen, it shows the driving examination fees which is effective from the July. So if you go over here for the G1 license, it cost you $159.75 now. Initially it was lesser than this one when I booked my test. So what does it include? It includes the G1 and G2 road test, and that will be valid for 5 years of license. So this is the fee if you are going to initially start for the G license, or you can say that G1 and G2 license. You have to pay $159.75. Anytime if you fail in the learning license, which is the online test, you will again do the reattempt by paying $16 extra, and there is a $53 some cents you have to pay if you fail in the G2 exam, and you can again book your test for the G2 exam. So after getting the G2 license, you can practice for the 12 months, and you can drive your car on the Ontario road, because basically the license is for the Ontario. You can still take the car outside of the Ontario province, which is like there is a no restriction, but originally you can drive only in Ontario at any time and there would be no restriction. But just focus on one thing: you should be having 0 blood alcohol level, and you don't need to worry about any passengers. You can carry as much as passengers if according to your seats. You can't just do the overload. So if you're under 19, you are not allowed to drive before 5 a.m. but after that you can drive the car. And if you're driving in before 5 a.m. or you can say in the midnight, you need the
parents or the guardian who have full license, and with that help you can drive the car. If you fail in the G1 and G2, again you can give the test before it expire. It will expire after 5 years, so within a 5 year you can again rewrite your test. You can again go back and give your online test. You can again go back and book your G2 test through again Service Ontario or from the drive center, or you can do that online. And once you book it, you can again write those tests. But again, when you're going to book your G2 test, you must have Ontario driving license, which has valid date for the expiry. If you cross the expiry date, then again you have to start from the G1, and that's the thing followed in the Ontario. So guys, कुछ भी बुरा नहीं है. बेटर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको मालूम है कि भाई आप गाड़ी चला के जितनी बार फेल होते हो, कहते हैं यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर. इफ़ यू नेवर फेल इन द लाइफ, यू नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ. सो बुरा कुछ भी नहीं है, टेक इट एवरीथिंग पॉजिटिव. मैं टोटल 8 बार फेल हुआ, तब मेरे को G2 लाइसेंस मिला और मैंने कार ली. कभी भी मैंने इस चीज़ को बुरा नहीं माना कि यार वाई मी ओनली, मैं ही क्यों फेल हो रहा हूँ. हर एक फेलियर में मैंने कुछ नया सीखा, और टुडे आई एम हियर विद माय कमेरो कार एंड विद माय 2 लाइसेंस. सो भाई इंडिया में भी कार है, इंडिया में भी जाएंगे तो ये कार, ये ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ हो सकता है ये चलाने के लिए, और कनाडा में ये ड्राइविंग लाइसेंस. सो मेरे पास है 2-2 कार का ड्राइविंग लाइसेंस. आप लोग बताइए कि कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो, और क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि बिना एग्ज़ाम दिया आप पास हुए और बिना ड्राइव टेस्ट दिया आपने गाड़ी ली है? कमेंट में जरूर बताइए. और जितने लोग रियल तरीके से ले रहे हैं, भाई वही तरीका सही है. अच्छे से मेहनत करो, किसी भी चीज़ को करते हो पूरी मेहनत करो, और लीगल तरीके से लो, मज़ा आएगा. इलीगल तरीके से तो आधी दुनिया लेती है. डोंट डू दैट थिंग गाइस. एंड आई होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो. कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. क्या जाता है, अभी अभी स्टार्ट किया यार चैनल, सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब्सक्राइब. ओके गाइस, फिर मिलते हैं. बाय बाय.